हमारे कुछ साथियों ने यहां बोलने के क्रम में कुछ मुद्दे उठाए हैं, मैं उस संबंध में दो तीन बातें जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है, हमारे एक साथी ने आप लोगों से नारा लगाया जय इस्लाम। गलत बात है, इस्लाम एक धर्म का नाम है। अगर वो हमको कहते कि जय मुसलमान का नारा लगाओ तो ज्यादा बेहतर होता। अगर आप किसी धर्म के जय करने का नारा लगाते हो तो आप इनडायरेक्टली आरएसएस का मामला जो है ना वो बढ़ाने का काम कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी आपको इंटरनल समझ में नहीं आ रहा, राजनीति समझ में नहीं आ रही। अगर आपको समझ में आता तो आप ऐसी बात नहीं करते। और अगर इस तरीके से काम करके अगर मुसलमानों को लाने की बात है तो मुसलमानों को कोई फायदा होने वाला नहीं, जो संकट में फंसाने का मामला है। इस देश में मुसलमान कौन है? कौन है मुसलमान? हम लोग नारा लगा रहे जय मूल निवासी, या मुसलमान आरएसएस के लोग बोलते विदेशी है, है? मुसलमान विदेशी है चौधरी साहब? यही बोल रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ। हमारा जो भाई है उसने कहा जय इस्लाम का नारा लगाओ, मैं कह रहा हूँ जय मूल निवासी में मुसलमान शामिल है। ब्राह्मण कह रहा है मुसलमान को विदेशी है, मैं कह रहा हूँ मुसलमान को मूल निवासी है। तो जय मूल निवासी मुसलमान को एससी एसटी ओबीसी से ज्यादा जोर से कहना चाहिए। आप ब्राह्मणों की काट करना चाहते हो? आप राजनीति का एबीसी समझते हो? अगर अगर आपको राजनीति का एबीसीडी, ईएफजी छोड़ो, ईएफजी छोड़ो, एबीसीडी, अगर आपको ये समझना है तो ये सारे जो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये कौन है? ए हमारे एससी एसटी ओबीसी जो लोग हैं, ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, धर्म परिवर्तित हो गए। जो महादेव भाई था वो मोहम्मद भाई हो गया। दो चार पीढ़ी जाओ पूरे पीछे जाओ, कौन है? आरएसएस वाले गए थे विदेश से, आ गए। कहां से आ गए विदेश से मुसलमान? ये तो सारे के सारे हमारे यहाँ के रहने वाले मूल निवासी है। जो ताकतवर लोग थे वो तो पाकिस्तान बनने के बाद चले गए, तो कमजोर लोग जा नहीं पाए, वो तो गए नहीं। इसको समझने की जरूरत है। अगर हम इस तरह से समझकर काम करते हैं तो इन सभी लोगों का एका निश्चित रूप से होना तेजी से होगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, इस्लाम शायद विदेश में निर्माण हुआ धर्म होगा, मगर इस्लाम को मानने वाले जो भारत में लोग मुसलमान हैं, उसकी नेशनैलिटी विदेशी नहीं है, उसकी नेशनैलिटी इंडियन। वो धर्म चाहे विदेश में निर्माण हुआ होगा, मगर मुसलमानों की जो नेशनैलिटी है वो इंडियन है, वो भारतीय है, वो मूल निवासी है। इसे समझना जरूरी है और इस बात को समझकर काम करना जरूरी है। दूसरी बात साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि इस देश में अगर हम लोग मजलूम, इस देश में एससी एसटी ओबीसी के लोग 2-3 हजार साल के मजलूम हैं, 2-4 साल के मजलूम नहीं है। 15 अगस्त 1947 के पहले 14 अगस्त 47 तक मुसलमानों का परसेंटेज 33% प्रशासन में था, आज 1.5% 2% से ज्यादा नहीं है प्रशासन में। तो मुसलमान आजाद भारत में मजलूम बना दिया गया, हम लोग 2-3 हजार साल के मजलूम हैं। हमारी पिटाई कई बार हो चुकी है, हमारे जख्म कितने बार हरे हो गए और कितने बार लाल हो गए। मुसलमानों के जख्म अभी नए नए हैं। अभी 14 अगस्त से ब्राह्मणों ने उनको मजलूम बनाने का काम शुरू किया, अभी अभी नया नया मामला है। हम लोग 2-3 हजार साल के मजलूम हैं, मुसलमान नए नए मजलूम है। तो मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होना चाहिए और मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद मौलिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। जो इस्लाम है वो इस्लाम बराबरी को, मुसावात को मानने वाला धर्म है।
इस देश में बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, लिंगायत है, क्रिश्चियनिटी है, ये सारे के सारे इक्वेलिटी को मानने वाले धर्म है। एक ब्राह्मणिज्म अगर छोड़ दिया जाए, ब्राह्मणिज्म गैर बराबरी को मानने वाला धर्म है। बहुत सारे लोग बोलते वक्त बोलते हैं सारे धर्म बराबर है, गलत बात है, सारे धर्म बराबर नहीं है। ब्राह्मणिज्म गैर बराबरी को मानता है, ब्राह्मण कहता है हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, मुसलमान कहता है क्या ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, या ब्रह्म क्या मुसलमान कहता अल्लाह ताला के मुख से पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं कहता है। मुसलमान का जो सिद्धांत है कि सारे इंसान बराबर है, तो सारे इंसान बराबर है, ये जो सिद्धांत है ये बराबरी का सिद्धांत है। तो जितने भी बराबरी का सिद्धांत मानने वाले धर्म है वो इस देश में टारगेट पर है। केवल मुसलमान टारगेट पर नहीं है, क्रिश्चियन टारगेट पर है, सिख टारगेट पर है, जैन टारगेट पर है, बुद्धिस्ट टारगेट पर है, लिंगायत टारगेट पर है, ये सारे के सारे टारगेट पर है। इन लोगों को अटैक किया जा रहा है। इस बात को भी समझने की जरूरत है, जब जोड़ने का कार्यक्रम चलाओगे तो ये बात समझने की जरूरत है। साथियों, इस देश में जो एससी एसटी ओबीसी के बीच में जो अंतर विरोध है, ये अंतर विरोध योजना बनाकर प्लान बनाकर डेवलप किया हुआ है। जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, ब्राह्मणों ने जातियों के अंदर ऊंच नीच की भावना रखी और इस ऊंच नीच की भावना को हवा देने का काम वो करते हैं। कांग्रेस दिल्ली में रह चुकी है, बीजेपी अभी दिल्ली में है, उनके पास ऊंच नीच का सिद्धांत प्रचार करके उनको हमारे लोगों को कुछ देने लायक है तो वो लोगों को हवा देते हैं और आपस में लड़ाते हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं, बिहार को लगा हुआ। उत्तर प्रदेश में 18 लोकसभा की रिजर्व सीटें हैं। 2014 में चुनाव हुआ और 18 में से 17 सीटें बीजेपी ने नॉन चमार शेड्यूल कास्ट को दिया और सारे के सारे लोग चुनाव जीतकर आ गए। 18 के 18 लोग चुनकर आ गए, एक आदमी चमार को टिकट दिया, 17 नॉन चमार को टिकट दिया। वो उनका मामला है, बीजेपी का, वो चाहे उसकी मर्जी है, किसी को भी दे सकते हैं। मैं तो केवल फैक्ट बता रहा हूं कि जाति का मुद्दा किस तरीके से इन लोगों के बीच में झगड़े लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं फैक्ट बता रहा हूं। अगर आपको फैक्ट मालूम नहीं है तो आप अंतर विरोध की बात करेंगे। ये अंतर विरोध ब्राह्मणों ने इसीलिए भारत में डेवलप किया ताकि समय समय पर इन लोगों को आपस में लड़ाया जाए, इन लोगों को आपस में भिड़ाया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ब्राह्मणवाद अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकता। इसे समझो, जितने जल्दी समझोगे उतने जल्दी ठीक होगा। इसको नहीं समझेंगे रणनीति नहीं बना सकते, इसको समझने से रणनीति बनाई जा सकती है। इससे समझकर हम रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं।